हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एबीबी वीसीबी के नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह सेशन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह जो नेम प्लेट है यह एबीबी की वीसीबी की नेम प्लेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके जो नेम प्लेट डिटेल्स है उसके एक एक पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, प्रोडक्शन ईयर दिया गया है और यहाँ पर एक आईसी स्टैंडर्ड दी गई है। तो यह जो ब्रेकर की मैन्युफैक्चरिंग है वो इस स्टैंडर्ड के द्वारा डिसाइड होती है कि इसमें क्या वोल्टेज लेवल रहेगा, क्या करंट रहेगा, क्या शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा, मेकिंग करंट कैपेसिटी क्या है, ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी क्या है, ये सब इस आईसी स्टैंडर्ड के द्वारा डिसाइड की जाती है। बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को यह एक लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप डेजिग्नेशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? टाइप डेजिग्नेशन। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं ओबीबी वीबीएफ ये जो दिया गया है यह ब्रेकर का टाइप है एबीबी में। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेकर का टाइप हो गया। उसके बाद ये जो 36 लिखा है 36.20.25, तो यहाँ पर 36 का मीनिंग क्या हुआ? 36 का मीनिंग ये हुआ कि ये जो ब्रेकर का रेटेड वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 36 KV। और 20 का मतलब क्या हुआ? इसका जो हाइएस्ट रेटेड करंट रहेगा, क्या रेटेड करंट, वो कितना? अप टू 2000 एम्पियर रहेगा। और इस 25 का जो मतलब रहेगा, इसका क्या मतलब रहता है? जो इसका शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी रहेगा वो कितना रहेगा? 25 किलो एम्पियर। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं टाइप डेजिग्नेशन। अब हम लोग जानेंगे रेटेड वोल्टेज के बारे में। अब जैसे कि हम लोगों ने टाइप डेजिग्नेशन देखा, उसमें रेटेड वोल्टेज हमको पता चला गया, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लिखा है रेटेड वोल्टेज और यहाँ पर लिखा है 36 KV, मतलब इस ब्रेकर की जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन वोल्टेज कितने पे हुई है? 36 KV पे हुई है। उसी प्रकार जब हम लोग दूसरी लाइन बात करेंगे तो ये हुआ रेटेड करंट। अब रेटेड करंट कितना है ब्रेकर का? 1600 एम्पियर, मतलब जो इसके अंदर से कंटिन्यूस करंट जाएगा वो कितना होना चाहिए? 1600 एम्पियर तक ये कंटिन्यूस करंट अपने थ्रू जाने देगा। अगर उसके ऊपर अगर कंटिन्यू करंट हो गया 1600 के ऊपर, तो क्या होगा? ब्रेकर के पोल मेल्ट होना या और भी कुछ जो डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो हो जाएंगे ब्रेकर के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी लिखा गया है, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्स। इंडिया में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 50 हर्ट्स होती है, और अगर हम लोग अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी होगी? 60 हर्ट्स तक हो जाती है। तो ये है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात करेंगे इंसुलेशन लेवल की। अब ये ब्रेकर का जो इंसुलेशन लेवल है वो क्या है? ब्रेकर का इंसुलेशन लेवल, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक जगह लिखा है 70 KV और एक जगह लिखा है 170 KV पीके। पीके का मतलब होता है पिक। अभी 70 KV जो वोल्टेज लेवल है इसको हम लोग कहते हैं पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज। और ये जो 170 केवी है पिक, उसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग इम्पल्स, लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो 70 केवी आया वो किस पे से आया? ये जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड देखा ना, इस स्टैंडर्ड के ऊपर से 70 केवी आया, और 170 केवी भी इस स्टैंडर्ड के ऊपर से ही आया। तो ये जो ब्रेकर की डिज़ाइन है पावर फ्रिक्वेंसी विस्टैंड वोल्टेज फॉर 1 मिनट, ये 1 मिनट तक हम लोग 70 KV देते हैं ब्रेकर को और उसकी विस्टैंड कैपेसिटी चेक करते हैं। और 170 KV क्या है? लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज, मतलब इतने केवी का लाइटनिंग इम्पल्स अगर दी ब्रेकर पे आएगा तो ब्रेकर को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये जो वैल्यू है 70 KV और 170 KV पिक, ये कब तक अप्लीकेबल है? जब हम लोग सी लेवल जो होता है हमारा अल्टीट्यूड, जिसे हम लोग कहते हैं अल्टीट्यूड, ये हमारा सी लेवल से कितना होना चाहिए? 1000 मीटर होना चाहिए। अगर 1000 मीटर तक हमें, तो ये डिटेल्स हमारे लिए अप्लीकेबल है। अगर हम लोग 1000 के ऊपर, मान लो 1200 मीटर मेरा अल्टीट्यूड लेवल है, हाइट लेवल है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर मेरी ये जो वैल्यू है ये आईसी स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेवल के बाद क्या दिया गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट, क्या लिखा है? शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट, वो कितना है? 25 KA RMS। इसका मत, इसको कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट जो ब्रेकिंग करंट है इसको हम लोग कभी कभी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब हमारा फॉल्ट आता है उस कंडीशन में हमारे ब्रेकर की कैपेसिटी कितनी है ब्रेकर सर्किट को ब्रेक करने की, तो वो है 25 किलो एम्पियर का RMS वैल्यू। अगर फॉल्ट करंट जाता है
तो उस कंडीशन में भी हमारा सर्किट ब्रेकर कैपेबल है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट करंट, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब ये जो करंट है वह कितने देर के लिए सर्किट ब्रेकर विस्टैंड करेगा, क्योंकि 1600 एम्पीयर का तो ब्रेकर है मेरा और 25 के जाएगा तो कितनी देर के लिए जाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए आप, शॉर्ट सर्किट विस्टैंड करंट एंड ड्यूरेशन, तो यहाँ पर दिया क्या है 25 के फॉर 3 सेकेंड। मतलब अगर 25 किलो एम्पियर आरएमएस वैल्यू 3 सेकेंड के लिए ब्रेकर में से जाती है फॉल्ट कंडीशन पे, तो मेरा ब्रेकर उसको सस्टेन कर लेगा। यदि ये टाइमिंग से ज़्यादा अगर उतना करंट जाता है तो क्या होगा, हमारे ब्रेकर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या तो पोल के जो हमारे कॉपर के अंदर बस बार होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे, या मूविंग कॉन्टैक्ट या फिक्स कॉन्टैक्ट मेल्ट हो जाएगी, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट के बारे में। वो कितना दिया गया है 62.5 किलो एम्पियर पीक। इसको हम लोग कई बार क्या कहते हैं, रेटेड पीक विस्टैंड करंट। क्या कहेंगे हम लोग इसको, रेटेड पीक विस्टैंड करंट। अब ये मेकिंग करंट का क्या मतलब होता है, मेकिंग करंट का मतलब जब हम लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं उस कंडीशन में, ऑन करने की कंडीशन में, उसके अंदर पहली साइकिल में बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तो उस करंट को विस्टैंड करने की जो कैपेसिटी रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट कैपेसिटी। ये जनरली क्या होता है, इसकी वैल्यू जो मेकिंग करंट है, मेकिंग करंट कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.5 इंटू ब्रेकिंग करंट, 2.5 जब हम लोग 2.5 इंटू 25 हमारा था यहाँ पे 25K, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 25K आरएमएस, जब हम लोग 25K से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 62.5 किलो एम्पियर पिक। ओके, तो ये क्या आ गया 62.5 किलो एम्पियर पिक। तो ये क्या होगी हमारी मेकिंग करंट कैपेसिटी, मतलब जब सर्किट ब्रेकर ब्रेकर को ऑन करता है उस कंडीशन में जो करंट जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट। तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.5 टाइम्स द ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। तो ये हो गया था हमारा शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट। अब यहाँ पर आई है ऑपरेटिंग सीक्वेंस। ये आप लोगों ने हर ब्रेकर में देखा होगा ये वैल्यू रहती है, ये वैल्यू मतलब ये ऑपरेटिंग सीक्वेंस रहती है। क्या है ये ऑपरेटिंग सीक्वेंस, ओ 0.3 सेकेंड, फिर CO 3 मिनट, फिर CO। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सीक्वेंस, और ये ऑटो रिक्लोज सीक्वेंस भी हम लोग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, AR ऑटो रिक्लोज सीक्वेंस। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारे कई बार क्या होता है, जो हमारी ओवरहेड लाइन है, तो ओवरहेड लाइन में क्या होता है कि हमारा ब्रेकर ऑन है मतलब क्लोज है, तो क्लोज कंडीशन में कई बार क्या होता है उसमें फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आने पे क्या होगा, ब्रेकर ओपन हो जाएगा। ओके, ब्रेकर ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर वो फॉल्ट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए है, कुछ मिली सेकंड में आया और चला गया, तो उसके लिए क्या करता है, ब्रेकर ओपन होने के बाद 0.3 सेकंड तक होल्ड करता है, और ये होल्ड करने का डिसीजन कौन देता है, ऑटो रिक्लोज रिले। एक ऑटो रिक्लोज रिले रहती है, वो बोलती है कि ओपन होने के बाद 0.3 सेकंड तक वो सेंस करेगी फॉल्ट को, उसके बाद फिर क्या करेगा, ब्रेकर को ऑन कमांड दे देगा, यानी क्लोज कमांड देगा। लेकिन क्लोज कमांड देने के बाद ब्रेकर जब ऑन होता है, यदि फॉल्ट तब भी नहीं गया, तो क्या करेगा, वो इंस्टेंट ब्रेकर को ऑफ करा देगा, मतलब ओपन कमांड दे देगा। फिर वो ऑटो रिक्लोज रिले वो क्या करेगा, 3 मिनट तक ब्रेकर को ऑन करेगा नहीं, फिर 3 मिनट के बाद वो एक बार और ब्रेकर को क्लोज कमांड देगा कि क्या पता फॉल्ट चला गया हो, तो वो क्या करेगा, ब्रेकर को क्लोज कमांड देगा। अगर फिर भी फॉल्ट नहीं गया तो वो ब्रेकर को तुरंत इंस्टेंट ट्रिप करा देगा, यानी ओपन कमांड देगा, उसके बाद वो ब्रेकर को कभी चालू नहीं करता। क्या कौन, ऑटो रिक्लोज रिले ब्रेकर को चालू नहीं करता, ये ऑपरेटिंग सीक्वेंस एक बार कंप्लीट होने के बाद। तो ये होता है ऑपरेटिंग सीक्वेंस। सिंगल कैपेसिटर बैंक स्विचिंग करंट कितना है, 400 एम्पीयर। तो कई बार क्या होता है, VCB पे हम लोग 33 kV साइड में या फिर 11 kV साइड में हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैपेसिटर बैंक। अब उस कैपेसिटर बैंक का जो स्विचिंग करंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 400 एम्पीयर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये इसमें यही दिखाया गया है कि जो सिंगल बैंक कैपेसिटर करंट का स्विचिंग करंट रहेगा वो कितना होगा, 400 एम्पीयर।
अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है क्लोजिंग कॉइल सप्लाई वोल्टेज। तो हमारे हम लोगों को पता है कि ब्रेकर में दो कॉइल होते हैं, एक होता है क्लोजिंग और एक होता है ट्रिपिंग। ट्रिपिंग को हम लोग ओपनिंग कॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपनिंग। तो जो क्लोजिंग कॉइल का जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना दिया गया है यहाँ पर, 110 वोल्ट। कितना दिया है? 110 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। उसी प्रकार जो ट्रिपिंग कॉइल है उसका भी हमारे को 110 वोल्ट डीसी। 110 वोल्ट क्या है? डीसी। तो यहाँ पर क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग कॉइल का वोल्टेज सप्लाई और ट्रिपिंग कॉइल का वोल्टेज सप्लाई है वो कितना है? 110 वोल्ट डीसी। ये यहाँ पर आप लोग ये डिटेल देख सकते हैं। मोटर सप्लाई वोल्टेज क्या है? मोटर सप्लाई वोल्टेज वो कितना है? 230 वोल्ट एसी। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम लोग ब्रेकर को ऑन करते हैं तो वहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग को मोटर के द्वारा क्या होता है, मोटर के द्वारा चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो उस स्प्रिंग चार्ज मोटर जो है उसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 220 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी। इसके पहले के वीडियो में मैंने एबीबी के ब्रेकर की जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होती है वो ख़राब होने के बाद किस प्रकार से चेंज किया जाता है उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आई की बटन पे आपको लिंक आ जाएगी, उसके थ्रू आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्या था, ये हमारी थी एबीबी वीसीबी के नेम प्लेट की डिटेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।